बैजनाथ के पंडोर रोड में स्थित बने निरंकारी भवन में आज मानवता एकता दिवस मनाया गया, जिसमें लगभग मिशन से जुड़े 500 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को संदेश दिया गया कि मानवता ही जीवन का सच्चा साहित्य है और हर व्यक्ति को नशे से दूर रहना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि जिंदगी को सही तरीके से अपनाना ही जीवन जीना है। उसके बाद परमादरणीय सतगुरु बाबा और देव सिंह महाराज गद्दी पर बैठे, तो जब ऐसी घटना होती है तो सभी के अंदर ये बहुत बड़ा एक रोष पैदा हो जाता है कि हम भी इसका बदला लेंगे और दुनिया का खून जो है वो खोलता है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जब गद्दी पर बैठे, जैसे ही उनका पहला प्रवचन निकला, उन्होंने यही कहा कि संसारिक तौर से मेरे पिता थे, सबसे पहले तो मुझे बदला लेना चाहिए, लेकिन हम बदला लेंगे, लेकिन ऐसे नहीं लेंगे, ये जो खून मानवता का नालियों में बहता है, ये आज के बाद नालियों में ना बह करके आदमियों के, इंसानों के नालियों में बहे, ताकि ये मानवता जो है ये जीवित हो पाए। तो ऐसा उन्होंने ये कर्म किया और इस कर्म को करते 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 वो आगे तक। ये उन महापुरुषों के जीवन से संबंधित है और सभी महापुरुषों ने उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बात की, तो दास भी ये तो यही बातें आपके सामने रखी जाएंगी। और यहाँ से जो भी वचन आता है उसको ध्यान से सुनो और उसको अपने जहन के अंदर, अपने मन में उसको बिठाओ, ताकि हम मन वचन कर्म के साथ एक होकर के इस जीवन को जी पाए। तो सतगुरु बाबा गुरुवचन, तो इन्होंने इस मिशन की ऊंचाई को नापा और इन्होंने ये प्रचार प्रसार शुरू किया। हरदेव सिंह महाराज के टाइम में तो ये लगभग आजकल 60 क्या कुछ किया। सबसे पहले तो इन्होंने आप परिवारों के लिए, समाज के लिए क्या देन दी, 1965 में नशाबंदी, इस माल के अंदर नशा जो है इसको बंद कर दिया जाए, और ये उसी दिन से लागू हो गया। लाखों लाखों संतों ने उसी दिन ये प्रण कर लिया कि आज से बाद हम नशा नहीं करेंगे, और उन्होंने अपना सारा जीवन इसी बाइबल को नभा करके ये पूरा कर लिया। लोगों के घरों को उजाड़ा हुआ है, नशा के ही किसी के घर को आबाद नहीं करता। नशा जो है ये हर एक इंसान को नुकसान करता है, पैसे का नुकसान होता है, मानवता का नुकसान होता है, तो मानवता भी ऊंची बनी रहती है। तो आज ये निरंकारी मिशन हर एक मानवता के लिए हर एक कार्य जो है इसको करता चला जा रहा है। और सत्संगत उसके बाद इसने कहा कि जैसे घर में पति पत्नी होते हैं, तो ये एक रथ के दो पहिए हैं, और एक जो बच्चे बाल भाइयों को परेशानी होती है, दुखी होते हैं, तो उनका कहने का भाव था एक इंसान अपना फर्ज अदा कर लेता है, माँ माँ का फर्ज कर लेती है, बाप बाप का फर्ज अदा कर लेता है, बच्चे बच्चों का फर्ज अदा कर लेते हैं, भाई भाई का फर्ज अदा करता है, तो हमारा जीवन जो है ये सुखमय बन जाता है, कभी उस घर में कलह क्लेश नहीं हो सकता है। बहुत बड़ी ये देन जो है
दी हुई है। फिर उसके बाद इन्होंने शादियों के लिए कहा कि शादियां जो भी हम करते हैं ये बड़े सादे ढंग से की। वो परिवार बहुत सुखी हो गए, बहुत ऊंचाइयों पर चले गए, क्योंकि गुरु के आदेश की पालना जो कर लेता है, गुरु के बात को जो मान लेता है, उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। उनको कृषि का कार्य भी करते थे, इनकी बहुत तीव्र बुद्धि थी और इन्होंने ये पटोरिया और ये मिनटों का काम करते थे, इसके करते थे। और इन्होंने सभी के लिए आभार किया अपने मिशन में कि हमने उद्यमी बनना है, बच्चों को शिक्षा देनी है, ज्यादा अच्छी पढ़ाई लिखाई करानी है और उनको आलसी नहीं बनाना है, संगत के साथ जोड़ना है, उद्यमी बनाना है, हिम्मती बनाना है। आज निरंकारी मिशन पूरे संसार के अंदर मानव एकता दिवस मना रहा है, जो कि बाबा गुरबचन सिंह महाराज के जीवन समापन के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल 1980 को जब उनको गोलियों से शहीद कर दिया गया, उस दिन के बाद ये मिशन जो है मानव एकता के रूप में आज ये इस दिवस को मना रहा है और ये दिवस सारे ही संसार में मनाया जा रहा है। और इस मिशन का उद्देश्य ये है कि पूरी मानवता को एक करना और एकता में रह करके अनेकता को ख़त्म करना, ताकि भाईचारा, हरेक के अंदर प्यार, मानवता, सहनशीलता, नम्रता, ये सभी गुण जो हैं इंसानों के अंदर भर पाए। और इसके लिए निरंकारी मिशन हमेशा तत्पर है। और उसके बाद ब्लड डोनेशन के कैंप जो हैं आज से शुरू किए जाते हैं, जो लगभग आज तक निरंकारी मिशन जो है ये 90 लाख यूनिट्स जो है ये ब्लड जो है यूनिट डोनेट कर चुका है। तो अभी भी ये निरंतर श्रृंखला जो है ये चलती रहेगी। और ये मिशन का उद्देश्य है कि ये जो लोगों का खून नालियों में बहता है, ये नालियों में ना बह करके मनुष्य की नालियों में बहे, ताकि मनुष्य को जीवन दान मिल सके। सर, आज जो ये आपका जो ये चला हुआ है प्रोग्राम, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि आजकल लोग बहुत नशा कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा जनता को संदेश दीजिए कुछ। नशे के लिए हमारे मिशन में बिल्कुल पाबंदी है कि कोई नशा नहीं करेगा, क्योंकि नशा लोगों के घरों को उजाड़ता है, उनके पैसे का नुकसान करता है, मानवता का नुकसान होता है, लोग अपने करेक्टर से गिर जाते हैं। तो उसके लिए मिशन संदेश दे रहा है कि कोई भी नशे का प्रयोग जो है ना करे, खासकर जो मिशन के साथ जुड़ते हैं, यहाँ इनको ब्रह्म ज्ञान दे करके, परमात्मा की जानकारी दे करके ये आगाह कर दिया जाता है कि आज के बाद आपने ये नशा नहीं करना है। और इसके लिए गुरु की भी कृपा होती है, जो इस आदेश को मान लेता है वो इस नशे को छोड़ देता है। और 1980 में तो जब ये बात शुरू हुई थी, तो उसी समय लाखों लाखों लोगों ने ये नशा करना छोड़ दिया है। तो हमारे निरंकारी मिशन में तो लगभग जो है वो कोई भी नशा जो है नहीं करता। और ये संसार को भी यही संदेश दे रहे हैं कि कहीं भी नशाबंदी जो है उससे परहेज किया जाए। सर, हिमाचल एक्सप्रेस से बात करनी है आपकी, बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए बैजनाथ से विजय कुमार की रिपोर्ट।